दोस्तों हाल ही में टीवीएस ने इंडिया में अपनी नई कॉन्सेप्ट बाइक टीवीएस जेप्लिन को पेश किया है, जो कि पेट्रोल और बिजली दोनों से चलने वाली भारत की पहली हाइब्रिड बाइक होगी। इसी के साथ टीवीएस जेप्लिन में आपको शानदार और एग्रेसिव लुक के साथ एडवांस फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, जिनकी वजह से ये बाइक इंडिया में लॉन्च होते ही धूम मचा देने वाली है। दोस्तों हमें मालूम है कि आप टीवीएस जेप्लिन के बारे में जरूर जानना चाहते होंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि डेली ऑटोमोबाइल न्यूज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सबसे पहले लुक की बात करें तो टीवीएस जेप्लिन एक क्रूजर बाइक है, जिसे कंपनी ने मस्कुलर लुक दिया है। आकर्षक लुक के लिए टीवीएस जेप्लिन में आपको एलईडी डे टाइम रनिंग हेडलाइट, एलईडी टेल लाइट, मस्कुलर फ्यूल टैंक, दमदार डिजाइन वाला एग्जॉस्ट देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ टीवीएस जेप्लिन में मोटे टायर्स के साथ वायर स्पोक अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जिनके साथ ये बाइक एकदम जबरदस्त दिख रही है। फीचर्स की बात करें तो टीवीएस जेप्लिन में आपको डिजिटल स्पीडोमीटर, इंटरनेट कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ और जीपीएस नेविगेशन जैसे एडवांस फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। इसी के बाद टीवीएस जेप्लिन बायो की के साथ आती है। दोस्तों बायो की के जरिए से आप अपनी बाइक को स्मार्ट लॉक लगा सकते हैं। इंजन की बात करें तो टीवीएस जेप्लिन में 220 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन दिया गया है। इसी के बाद टीवीएस जेप्लिन में 1200 वाट की रीजनरेटिव असिस्ट मोटर भी आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि 48 वोल्ट की लिथियम आयन बैटरी के साथ कनेक्टेड है। इसी के बाद इस बाइक में आपको इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से ये बाइक अपनी क्षमता से 20% ज़्यादा पावर जनरेट कर सकती है। हालांकि दोस्तों कंपनी ने अभी इस बाइक की माइलेज और इंजन की परफॉर्मेंस के बारे में जानकारी नहीं दी है, लेकिन जब ये बाइक लॉन्च होगी तो आपको इसकी जानकारी भी मिल जाएगी। दोस्तों मिली जानकारी के मुताबिक टीवीएस अपनी इस बाइक को अक्टूबर 2019 तक लॉन्च करने वाली है, और इस बाइक की शुरुआती शोरूम कीमत लगभग 1,20,000 से 1,80,000 रुपए के बीच में हो सकती है। दोस्तों क्या टीवीएस की जेप्लिन हाइब्रिड बाइक इंडिया में कामयाब हो पाएगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो फिर लाइक और शेयर करने के साथ साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।